मैं हूँ रमज़ान अली। हम मौजूद हैं इस वक्त मशहूर हॉस्पिटल में। एक पेशेंट है जिसकी टांग टूट गई है एक्सीडेंट से, तो इनके जो भतीजे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, ये सेहत कार्ड पर एडमिट हुए हैं, तो इनसे मालूम करते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल मन्नान। अब्दुल मन्नान, आप कहाँ रहते हैं? वड बलूचिस्तान में। अच्छा, आपके जो चाचा हैं इनको क्या हुआ था, कैसे एक्सीडेंट हुआ, ये बताएंगे पूरी तफसील? जी, ये तकरीबन बाइक पे जा रहे थे और दूसरे बाइक वाला उससे टक्कर लग गई, दोनों बाइक वाले गिर गए, दूसरे बच गया, इसके पैर दो जगह से टूट गया और दो उंगली भी जख्मी है और हाथ भी जख्मी हो गया, टूटने से बच गए। तकरीबन हमको उसको करीबी हॉस्पिटल जो हमारा वार्ड में था उसमें लेके गए, तो उन्होंने सिर्फ उसको टांके लगाए कि उसके खून बंद होने के लिए। उसके बाद फौरी तौर पर हमने उसको कराची लाया सिविल हॉस्पिटल में, तो उधर उनको उन्होंने एक्सरे कर दिया, उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के बाद हम उसके ऑपरेशन करेंगे और उसको रॉड लगवाएंगे। तो इसी वजह से हम देखा कि इधर देर हो रहा है, फिर हमने फौरी तौर पर उसको लाया यहाँ सेहत कार्ड पे दाखिल कर दिया। फिर दाखिल करने के बाद उन्होंने डॉक्टरों ने बताया कि कल हम अगले यानी जिस दिन दाखिल हुआ अगले दिन इनकी ऑपरेशन हो जाएगी इंशाल्लाह, उसको रॉड भी लगाएंगे। तो जिस दिन उसका ऑपरेशन था यानी इसी पहली रात में वो बेहोश हो गया, तो बेहोशी में उनको तकरीबन एक हफ्ता लग गया आईसीयू में उसको दाखिल कर दिया डॉक्टरों ने, तो उधर यानी दिमाग की वो एक्सरे कर दिए और उसको दवाई भी लगवाई, आखिरकार वो अपने होश पे आया एक हफ्ते के बाद। फिर उन्होंने हमें एक हफ्ते की पूरी छुट्टी दी कि आप उसको उसके घर ले जाओ, अपने बच्चों को और रिश्तेदारों को देखो, उसके दिमाग अच्छी तरह फ्रेश हो जाए। फिर हमने उसको एक हफ्ते की छुट्टी करवाई, फिर जब उनको लाया तकरीबन दो दिन हो रहे हैं हमें अभी, ये तीसरा दिन है, तो कल इनका ऑपरेशन था, कल डॉक्टर की मसरूफियत की वजह से ऑपरेशन नहीं हुआ, दो मरीज़ और भी थे, तो आज इंशाल्लाह इसके ऑपरेशन है। अच्छा, बहुत अच्छा आपने बताया। मुझे आप ये बताएं कि सेहत कार्ड का आपको कैसे पता चला कि यहाँ मशहूर हॉस्पिटल में सेहत कार्ड से फ्री इलाज होता है? जी, हमारा एक पहले मरीज़ था तकरीबन, वो उसको गाड़ी लग गई थी दिमाग में, तो वो बंदू ने इधर लाए थे उसको, फिर वो उन्होंने देखा था, मालूम कर दिया था कि यहाँ सेहत कार्ड पे दाखिल होता है, उनका भी सेहत कार्ड पे दाखिल हुआ, तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ सेहत कार्ड पे दाखिल कर दिए जाते हैं, तो इसी वजह से उन्होंने हमें इधर लाया। ये जो भाई है ये किसान है, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ अभी तक। अच्छा, ज़्यादा किसान है, गरीब आदमी है, सेहत कार्ड पर इनका इलाज हो रहा है, फ्री इलाज हो रहा है ये, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, बस हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हॉस्पिटल वालों के इदारों की वजह से कि इतना बड़ा हमारा खदशा है कि इधर इसका ऑपरेशन का मसला है और दिमाग का मसला था, ये तो फ्री हो रहे हैं, ये बड़े मेहरबानी की बात है और इसी भी हम बहुत खुश हैं। अच्छा, ये बताएं कि अस्पताल में आप आए तो अस्पताल आपको कैसा लगा, मशहूर हॉस्पिटल के डॉक्टर वगैरह कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे माशाल्लाह, जब हमने उसको इधर लाया तो हमारे अच्छी तरह से काम भी हुआ माशाल्लाह भरपूर अंदाज से, और डॉक्टर भी अच्छी तरह से माशाल्लाह मेहनत कर रहे थे। जब हमने उनको आईसीयू में बेहोशी में वजह से आईसीयू में लेके गए, तो डॉक्टर माशाल्लाह 24 घंटे इसकी खिदमत कर रहे थे अच्छी तरह, उनको दवाइयाँ मवाद अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से भी काम कर रहे हैं, हमें अच्छे अंदाज से नज़र आ रहे हैं और अच्छे सलूक से माशाल्लाह हमसे पेश आ रहे हैं अखलाक के साथ।